Hello students, welcome back in HOT 221 Production Technology for Fruits and Plantation Crop, Lecture 6, Sweet Orange. इस टॉपिक के अंदर अपने जो स्वीट ऑरेंज है, जिसको आप मौसमी के नाम से जानते हो या किसी कई क्षेत्रों के अंदर उसे माल्टा के नाम से जाना जाता है, तो अपने उसके बारे में पढ़ेंगे कि माल्टा क्या होता है, इसकी कैसे कल्टीवेशन जहाँ कौन कौन से इसमें स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इसकी कल्टीवेशन के अंदर. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. स्वीट ऑरेंज, टाइट स्किन्ड ऑरेंज और मौसमी और माल्टा. जो फल है स्वीट ऑरेंज, जिसको अपने मौसमी, मैं इसके लिए एक जनरल टर्म मौसमी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मौसमी की और टाइट स्किन ऑरेंज भी कह देते हैं. टाइट स्किन ऑरेंज कह देते हैं क्योंकि इसकी जो ऊपर वाला छिलका होता है, जो इसके नींबू वर्गीय और फल हैं जैसे मैंडेरिन है या कोई नींबू है जलाइम है, उनकी तुलना में, मैंडेरिन की तुलना में इसकी जो स्किन होती है ऊपर की, वो थोड़ी टाइट होती है. मतलब थोड़ा ऊपर से वो कसा कसा सा होता है फ्रूट, ठीक है, जबकि जो मैंडेरिन होता है, संतरा होता है, वो थोड़ा ढीली स्किन वाला होता है. तो इसको टाइट स्किन ऑरेंज कहा जाता है, इसलिए इसको टाइट स्किन ऑरेंज कहते हैं. इसको मौसमी भी बोल देते हैं और माल्टा भी कई जगहों में इसको बोला जाता है, ठीक है. इसका बोटनिकल नेम सिट्रस साइनेंसिस. इसका जो बोटनिकल नेम है, ठीक है, सिट्रस साइनेंसिस स्वीट ऑरेंज का, मौसमी का होता है. ओरिजिन इसका चाइना या इंडो चाइना है. फ्रूट टाइप इसका हिस्पिरिडियम होता है, ठीक है. और इसके बाद इनफ्लोरेसेंस टाइप इसका साइमोज, जिसको सोलेट्री भी बोल देते हैं, ठीक है, साइमोज टाइप का जो सोलेट्री होता है. और एडिबल पार्ट, इसमें जो खाने वाला भाग होता है इसका, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं, ठीक है, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स जो अपने उसके रेशे होते हैं फल के अंदर रस से भरे हुए, उनको अपने खाते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैक्सिमम एरिया यूपी एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश. जो मौसमी है, इसका जो मैक्सिमम एरिया है, ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है, ज़्यादातर यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है. और जो इसका प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, और साथ में इसकी प्रोडक्टिव भी आंध्र प्रदेश की ही ज़्यादा है. इट इज़ नॉन क्लाइमेट्रिक. नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब इसको पका हुआ ही तोड़ा जाता है, इसको तोड़ के नहीं पकाया जाता, ठीक. मतलब इसकी जो रेस्पायरेशन रेट होती है, जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होता जाता है, बढ़ती जाती है फल पेड़ के ऊपर ही, और तोड़ने के बाद वो बढ़ती नहीं है, एक स्थिर स्टेज पे चलती रहती है. सेल्फ पोलिनेटेड होता है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसमें स्वपरागण होता है. डीग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट इज डन बाय कैल्शियम कार्बाइड. डीग्रीनिंग कह लो कि जो इसमें एक कह लो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कह लो, या एक बीमारी कह लो, कि पत्तों के ऊपर कई बार ग्रीन ग्रीन कलर के चकते बन जाते हैं, डार्क ग्रीन और लाइट कुछ एरिया के ऊपर डार्क ग्रीन कलर के फल के अंदर भी कई बार ये देखने को मिलता है, वो कैल्शियम कार्बाइड के ट्रीटमेंट से इसको हटाया जा सकता है. मतलब उसके लिए डीग्रीनिंग के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है, केमिकल है, ठीक है, पकाने वाला. बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग, लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग. इसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है प्रूनिंग का, कांड शांड का, या तो लेट विंटर के अंदर करने चाहिए, ठीक है, सर्दियाँ निकल गई तब, लगभग सर्दियाँ निकल रही हैं तब, या अर्ली स्प्रिंग, विंटर और स्प्रिंग के जो बीच का टाइम होता है, विंटर मतलब सर्दियाँ और स्प्रिंग होता है बसंत के बीच का जो मौसम रहता है, वहाँ पे इसकी प्रूनिंग करते हैं कांट शांट हल्की फुल्की. डेफिशिएंसी ऑफ जिंक अलोंग विद नाइट्रोजन इज मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम फॉर ऑफ स्वीट ऑरेंज. जिंक की और साथ में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी स्वीट ऑरेंज के अंदर बहुत मेन प्रॉब्लम है इसके प्रोडक्शन के अंदर. ए पाइनएप्पल एंड वैलेंसिया इंडिकेटर ऑफ ग्रीनिंग. दो किस्में हैं इसकी, पाइनएप्पल भी और वैलेंसिया भी स्वीट ऑरेंज की किस्में हैं मौसमी की, ठीक है, जो कि ग्रीनिंग का एक इंडिकेटर है. मतलब ग्रीनिंग इनमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी. स्वीट ऑरेंज इज हाईली पोली एम्ब्रियोनिक, वेरीज फ्रॉम 40 to 95%. स्वीट ऑरेंज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोली एम्ब्रियोनिक पाई जाती है, बहुभ्रूणता कह लो, एक ही बीज से दो दो तीन तीन पौधे बनना, एक बीज में दो या तीन भ्रूण पाए जाते हैं. और ये लगभग 40 to 95% बीजों के अंदर, स्वीट ऑरेंज के जो बीज होते हैं उनमें 40 to 95% बीजों के अंदर पोली एम्ब्रियोनिक की पाई जाती है. नेक्स्ट है वैरायटीज. इसकी जो किस्में हैं स्वीट ऑरेंज की, हेमलिन है जो अर्ली किस्म है, अगेती किस्म है, जाफा ये मिड सीजन वैरायटी है,
इसके अलावा पाइनएप्पल, ये भी मिड सीजन वैरायटी है। वैलेंसिया लेट सीजन वैरायटी है। मौसम्बी जो मोस्ट पॉपुलर इन महाराष्ट्र, मौसम्बी महाराष्ट्र की सबसे पॉपुलर किस्म है और इसी के कारण अपने इसको मौसम्बी के नाम से जानते हुए मार्केट में आती मौसम्बी किस्म ज़्यादा है इसकी। बेस्ट रूट स्टॉक कौन सा है मौसम्बी के लिए? रंगपुर लाइम यूज़ किया जाता है, मतलब रंगपुर लाइम के ऊपर मौसम्बी को ग्राफ्ट किया जाता है। इसके अलावा सतगुड़ी पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, सतगुड़ी भी एक किस्म है इसकी जो आंध्र प्रदेश के अंदर काफ़ी फेमस किस्म है। बेस्ट रूट स्टॉक इसके लिए रफ लेमन है, ठीक है, रफ लेमन के रूट स्टॉक के ऊपर इसको सतगुड़ी को बर्डेड या ग्राफ्टेड किया जाता है। इसके अलावा ब्लड रेड पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, बेस्ट रूट स्टॉक करनाखट्टा या जट्टी खट्टी। ब्लड रेड वैसे तो अब एरिया राजस्थान के, सॉरी ये नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका ज़्यादा नहीं बचा, बहुत ही कम क्षेत्र में इसकी कल्टीवेशन हो रही है, मेरे हिसाब से बहुत ही कम होंगे। ब्लड रेड की एक खासियत ये इसकी जो पल्प थी अंदर वाला, जो अंदर से काट के देखते थे तो इसमें से रेड कलर का होता था, अंदर से फल अंदर से रेड कलर का होता था जैसे कोई ब्लड हो, इसलिए इसका नाम भी ब्लड रेड रखा था। और अभी एरिया बहुत ही सिमटा हुआ है, जो भबोर और गंगानगर का एरिया था यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन कुछ क्षेत्रों में थी, अब इतनी नहीं है। इसके बाद सामुथी सीडलेस वैरायटी है। इसके अलावा वाशिंगटन नेबल, ठीक है, इसके अलावा बेटावीन मुडखड़ एक म्यूटेंट है, बर्ड म्यूटेंट कह लो, म्यूटेंट किस्म है इसकी, उत्परिवर्तन से तैयार किस्म है, नागपुर मैंडेरिन से इसको तैयार किया गया था मुडखड़, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट स्वीट ऑरेंज रिक्वायर ड्राई एंड सेमी एरिड कंडीशंस, कपल्स ऑफ डिस्टिक्ट समर एंड विंटर सीजन एंड विद लो एनुअल पेसिस्टेंस। जो स्वीट ऑरेंज है मौसमी है इसको सूखी कह लो और सेमी एरिड जैसी कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत ही जहाँ पे बरसात कम होती है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, ऐसी कंडीशंस चाहिए होती हैं जहाँ पे गर्मी और सर्दी अलग अलग हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा सर्दी और गर्मी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, ऐसी कंडीशंस नहीं चाहिए। जहाँ पे सेमी एरिड कंडीशंस, जहाँ पे सर्दी अलग से पड़ती है गर्मी अलग से पड़ती है, ऐसा मौसम चाहिए होता है, और जहाँ पे बरसात कम हो, लो एनुअल पेसिस्टेंस, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी एंड सीवियर विंटर रिजल्ट इन गुड कलर डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस इन फ्रूट्स। अगर ह्यूमिडिटी कम रहती है और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो इस फल के अंदर जो कलर होता है फ्रूट का ऊपर से बहुत ही अच्छा डेवलप होता है और दिखने में फल आकर्षक लगता है, अपीयरेंस उसकी अच्छी दिखाई देती है। हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स थिन स्किन एंड प्लेंटीफुल जूस। हाई ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है वातावरण के अंदर, जहाँ पर भी इसको कल्टिवेट किया था ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे जो ऊपर वाला छिलका रहता है फल का वो पतला रहता है, पतले छिलके वाला फल बनता है और उसमें जूस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जूस होता है, ठीक है। और वैसे मिठास के लिए ज़्यादा कम ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा मिठास होगी फल के अंदर। स्ट्रॉन्ग विंड वेदर हॉट और कूल आर इंजरस। ज़्यादा तेज आंधियाँ या फिर जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्म होना या बहुत ज़्यादा ठंडा होना भी इसकी कल्टीवेशन के लिए हार्मफुल है, इंजरस है, ठीक है। सोयल मीडियम टू लाइट लोमी सोयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर वेल ड्रेन्ड हैविंग द पीएच रेंज फ्रॉम 6 to 8 आर सुटेबल। इसके लिए मध्यम से लेके हल्की जो दोमट मिट्टी है जिसमें अच्छा ऑर्गेनिक मैटर हो, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भरपूर हो, अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और पीएच लगभग 6 से 8 के बीच में हो, इसके कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है। प्रोपोगेशन कमर्शली प्रोपोगेट बाय बडिंग। जो स्वीट ऑरेंज है मौसमी है इसको जो कमर्शली प्रोपोगेट किया जाता है बडिंग से करते हैं। पेज बडिंग भी कई जगहों पे यूज़ की जाती है, फोरकट और टी बडिंग भी कई जगहों पे इसके लिए यूज़ की जाती है। और टाइम क्या होता है कि जब अपने को बडिंग करनी है, जब सैप का अच्छा फ्लो हो रहा हो, मतलब छिलका उसकी जो छाल होती है कैम्बियम के अंदर अच्छा विभाजन हो रहा होता है, कैम्बियम समझ गए होगे, जो ऊपर वाली छाल और बीच वाली जो लकड़ी के बीच में एक पानी सा चिपचिपा सा पड़ा रहता है जिसको कैम्बियम कह देते हैं, एक लेयर की तरह रहता है, वो अच्छा हो उस समय ज़्यादातर इसमें बडिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्लांटिंग। द पिट्स आर डग 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज इन समर एंड फिल्ड अप विद 20 to 30 केजी वेल रोटन FBM या कह लो फार्म यार्ड मैन्योर एंड गुड सोयल। जो इसके खड्डे खोदे जाते हैं, ठीक है, इसकी प्लांटिंग के लिए ज़्यादातर गर्मी के अंदर जून जुलाई के अंदर, और लगभग 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज़ के, मतलब 60 सेंटीमीटर ही गहरे, 60 सेंटीमीटर ही चौड़े और लंबे खड्डे खोदे जाते हैं, जिनके अंदर 20 से 30 किलो
गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और सोयल का मिक्सचर बनाकर उन खड्डों को भर दिया जाता है। एक महीने खाली रखने के बाद, धूप लगाने के बाद उन खड्डों को भर देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ प्लांटिंग में भी 4x4 और 5x5 मीटर जो इसके लिए डिस्टेंस रखा जाता है, मतलब एक पौधे से पौधे का और एक लाइन से लाइन की दूरी, वो लगभग 4x4 मीटर भी रखी जाती है, ठीक है। और कभी कभी कुछ किस्मों के अंदर 5x5 भी रखी जाती है। प्लांटिंग इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ मानसून वेयर रेनफॉल इज लाइट। जो प्लांटिंग की जाती है वो ज़्यादातर मानसून की शुरुआत में की जाती है, बिगिनिंग ऑफ मानसून, ठीक है, शुरुआत में करते हैं। और जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ठीक ठाक सा होता है, ज़्यादा बरसात नहीं होती, उन क्षेत्रों में बिगिनिंग ऑफ मानसून। और जिन क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे प्लांटिंग हमेशा एंड ऑफ मानसून की जाती है, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है, मानसून ख़त्म होता है, उसके बाद इसकी प्लांटिंग करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, NPK 240 ग्राम पर ट्री पर ईयर एट 10th ईयर। जो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दिया जाता है, ठीक है, वैसे पर प्लांट दिया जाता है, अपने डोज जो कैलकुलेट करते हैं पर प्लांट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बैंड प्लेसमेंट किया जाता है, पौधे के आसपास चारों तरफ डाल के एक रिंग के आकार में उसमें मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसमें जो NPK दिया जाता है वो 240 ग्राम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर ट्री पर ईयर। जब 10 साल का पौधा हो जाता है, जब इकोनॉमिक यील्ड देने लग जाता है, ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाता है, तब उसको इतनी डोज दी जाती है, उससे पहले ये डोज थोड़ी कम रहती है। FYM जो गोबर की खाद लगभग 100 किलो पर ट्री, और हर साल गोबर की खाद 10 साल के बाद लगभग 100 किलो गोबर की खाद हर पौधे को दी जाती है। नॉर्थ इंडिया मैन्यूरिंग इज विंटर, जो मैन्यूरिंग की जाती है, जो खाद दी जाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो सर्दी के मौसम में देते हैं, दिसंबर जनवरी के अंदर, एंड सेकंड डोज अप्लाइड इन अप्रैल मई। और जो दूसरी डोज देते हैं, मतलब दो डोज के अंदर देते हैं, दो बार खाद और उर्वरक दिए जाते हैं, एक तो विंटर के अंदर दिसंबर जनवरी में, दूसरी अप्रैल मई के अंदर। और वेस्टर्न और साउथ इंडिया के अंदर, जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत है, वहाँ पे मैन्यूरिंग डन बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून जैसे ही सेट होता है, आने वाला होता है उस समय, और द सेकेंड एप्लीकेशन आल्सो गिवन दिसंबर और अर्ली जनवरी। और जो दूसरी डोज दी जाती है दिसंबर के अंदर और अर्ली जनवरी के अंदर, जहाँ दिसंबर के अंदर या अर्ली जनवरी के अंदर जो दूसरी डोज देते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर्स की। इरीगेशन एंड इंटरकल्चर, ड्यूरिंग समर इरीगेशन शॉर्ट इंटरवल ऑफ 7 डेज आर नीडेड, मतलब जहाँ गर्मी का मौसम होता है उस समय कम अंतराल पे सिंचाई की आवश्यकता होती है, जल्दी जल्दी सिंचाइयाँ की जाती है, लगभग 7 दिनों के अंतराल पे से सिंचाई करते हैं। और वह जहाँ पे विंटर के अंदर इसको सिंचाई करते हैं, लगभग 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते हैं, लगभग 2 वीक के अंतराल पर, ठीक है। शैलो कल्टीवेशन एट 3 to 4 months इंटरवल कीप डाउन द वीड्स, जो शैलो कल्टीवेशन है, हल्की उथली निराई गुड़ाई कह लो, ऊपर से हल्की निराई गुड़ाई कर देते हैं, 3rd से 4th महीने इसमें निराई गुड़ाई की जाती है, जिससे कि वीड उस खेत में ना हो। स्वीट ऑरेंज प्लांटेशन कैन बी इंटरक्रॉप्ड विद लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक बसीम, ल्यूसन, मतलब जो स्वीट ऑरेंज है इसके साथ में आप कुछ फसलें कल्टीवेट कर सकते हो, जो बीच में जगह खाली बचती है उसके अंदर, वहाँ पे लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं जैसे बरसीम है, ल्यूसन है, आप उसकी कल्टीवेशन कर सकते हो, जहाँ इसके अलावा कुछ सब्जियाँ भी वहाँ यहाँ पर कल्टीवेट होती हैं जिनको आप उगा सकते हो। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग प्रूनिंग कांट शांट कह लो, संधाई करना, यंग प्लांट शुड बी गिवन सपोर्ट इफ नीडेड सो दैट दे डू नॉट बैंड। जो यंग प्लांट होता है, ठीक है, यंग प्लांट मतलब जब छोटा होता है पौधा, आपने प्लांटिंग किया उसी टाइम उसको सपोर्ट दिया जाता है कि उसके स्टेम जो तना है वो सीधा रहे, बैंड ना हो। स्प्राउट अराइज बिलो बर्ड यूनियन एंड वाटर स्प्राउट शुड बी रिमूव। जो स्प्राउट्स होते हैं बर्ड यूनियन, मतलब यहाँ से ग्राफ्टेड पौधा है तो उसके ग्राफ्टिंग वाले पॉइंट से नीचे से जो भी रूट स्टॉक से शाखा निकलती है जिसको वाटर स्प्राउट्स कहते हैं, उनको टाइमली हटाते रहना चाहिए, जहाँ जब भी दिखाई दे उनको हटाते रहते हैं। डू नॉट प्रून द ट्री एक्सेप्ट अनवांटेड डिजीज ट्विग्स आर कट एंड रिमूव आउट ऑफ द फील्ड। ज़्यादा इसमें प्रूनिंग नहीं करते, ठीक है, बस जो डिजीज़ वाली जिन पे बीमारी लगी हुई है ऐसी शाखाओं को, ट्विग्स को काटा जाता है और फील्ड से हटा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कोई हैवी प्रूनिंग नहीं करते स्वीट ऑरेंज के अंदर, ठीक है। बाहर ट्रीटमेंट,
बाहर ट्रीटमेंट क्या होता है, कई फलों के अंदर आप देखोगे बाहर ट्रीटमेंट क्या होता है कि अपने जो भी वांछित है, जो भी अपने को बाहर लेनी है, जिस भी बाहर के अपने को फल लेने हैं, उसको कैसे मैनेज करें कि इस बाहर के अंदर ज़्यादा फ्रूटिंग हो और उसको अपने ले सकें, उसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि बहुत से फल ऐसे हैं जैसे आपका स्वीट ऑरेंज है, जहाँ सिट्रस वाले जितने भी फ्रूट हैं, जहाँ आपका पोमग्रेनेट अनार है, जहाँ फिर आपका अमरूद है, इनके अंदर क्या होता है कि बाहर ट्रीटमेंट करना पड़ता है अपने फलन लेने के लिए। जिस भी बाहर को अपने वांछित होती है, जिसको अपने चाहते हैं कि इसका फल लेना है, तो उस फल को फलन ज़्यादा हो, ठीक है, दूसरी बाहरों की तुलना में, तो उसको नियंत्रित किया जाता है, उसे बाहर ट्रीटमेंट कहते हैं। बाहर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अंडर वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रोवर्स लाइक टू हैव मृग बाहर क्रॉप। जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत के अंदर जो ग्रोवर्स होते हैं, वो ज़्यादातर मृग बाहर के अंदर फल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हेल्प देम टू राइड ओवर द वाटर स्कार्सिटी इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई। जो मंथ अप्रैल और मई के अंदर पानी की कमी आती है, उस कमी से बचने के लिए वो ज़्यादातर मृग बाहर के फल लेते हैं। चलो बाहर के बारे में बता देता हूँ। बाहर ज़्यादातर क्या होता है कि मृग बाहर की जो फ्लोवरिंग होती है, वो जनरली आपकी जून जुलाई के अंदर फ्लोवरिंग होती है, और फल लगभग 9 से 13 महीने का टाइम लेता है पकने में, ठीक है। जून जुलाई के अंदर फ्लोवरिंग होती है, जब इसमें बसंत अजय मानसून चल रहा होता है उस समय। और अंबे बहार के अंदर जो फ्लोवरिंग होती है, इसमें 3 बारें होती है, मैंने बताया था मृग और अंबे। अंबे के अंदर जो होती है फ्लोवरिंग, वो ज़्यादातर आम वाली रुत के अंदर, याद रखना, याद करने के लिए बता रहा हूँ, आम की रुत के अंदर, यानी कि फरवरी मार्च के अंदर फ्लोवरिंग होती है, जब आम के अंदर बोर आ रहा होता है। और उसी एक और होती है हस्त बहार। हस्त बहार के अंदर फ्लोवरिंग जनरली सितंबर अक्टूबर के अंदर फ्लोवरिंग होती है, ठीक है। तो बहार ट्रीटमेंट के बारे में याद रखना, कैसे करते हैं अब अपने, इट इज़ डन बाय विद होल्डिंग वाटर 16 डेज इन एडवांस ऑफ द नॉर्मल फ्लोवरिंग सीजन। जैसे ही अपनी फ्लोवरिंग वाला, अपने को पता है कि 2 महीने बाद अभी फ्लोवरिंग आनी है, उससे 2 महीने पहले, मान लो कि लगभग 60 दिन पहले फ्लोवरिंग आने से पानी को रोक दिया जाता है। उस जो मौसमी है, उसकी प्लांटेशन है, उसमें पानी नहीं दिया जाता। अबाउट 30 डेज पीरियड ऑफ फ्लोवरिंग सीजन रूट्स आर एक्सपोज बाय सोयल, रिमूविंग सोयल अराउंड द ट्री ट्रंक। और लगभग 30 दिन पहले, मतलब 60 दिन पहले तो पानी रोका, उसके फिर 30 दिन बाद जो चारों तरफ की मिट्टी होती है, किसी भी फ्रूट जहाँ स्वीट ऑरेंज के फ्रूट प्लांट के चारों तरफ की, उसको लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की चारों तरफ एक नाली बना देते हैं, खोद देते हैं, खड्डा बना देते हैं चारों तरफ एक नाली, ठीक है, 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी। और लगभग 6 से 10 दिन बाद, उस एक्सपोजर के बाद, मतलब जैसे ही जड़ों को वो एक्सपोज हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जड़ें होती हैं पौधे की ऊपर ऊपर मिट्टी में, तो उन जड़ों को एक्सपोज करने के बाद उनको एक मिक्सचर, जो गोबर की खाद का जहाँ कोई न्यूट्रिएंट मिलाए हुए हैं, उससे उसको फिल कर देते हैं। लगभग 20 से 25 ग्राम गोबर की खाद को मिलाकर उसको भर देते हैं, उस खड्डे को भर देते हैं, और उसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। मतलब उस पहले तो आपने, मैं सारे दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 60 दिन पहले पानी रोक दिया आपने, खेत के अंदर पानी देना बंद कर दिया उस प्लांटेशन के अंदर। फिर उसके 30 दिन बाद आपने क्या किया कि हर पौधे के चारों तरफ एक रिंग के आकार की, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी रिंग बना दिए, मिट्टी निकाल दी, ठीक है, एक्सपोज कर दिए, उनकी जड़ों को धूप लगा दी थोड़ी। फिर उसके बाद गोबर की खाद 20 से 25 किलो ली और आपने उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया, उस खड्डे को भर दिया ऊपर से और हल्की सिंचाई कर दी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितना भी एकदम से जैसे ही फ्लोवरिंग आई, एक महीने बाद, अब लगभग एक महीना तो क्या बचा, अब लगभग आधे महीने बाद जो भी फ्लोवरिंग आएगी, एकदम से फ्लोवरिंग पे आएगा, फ्लोवर बाद डिफरेंशिएशन होगा और फ्लोवरिंग बहुत ज़्यादा लेगा पौधा, एकदम से फ्रूटिंग करेगा, ठीक है। इन नॉर्थ इंडियन फ्लोवरिंग नॉर्मली वंस इन इंडिया इन द स्प्रिंग सीजन फरवरी मार्च। और जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर ज़्यादा फ्लोवरिंग की दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे साल में एक बार ही फ्लोवरिंग आती है, और स्प्रिंग सीजन के अंदर वो भी फरवरी मार्च में आती है, ठीक है। बाहर ट्रीटमेंट ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ पे 2 या 3 बाहर के अंदर फलन होता है, जिन फसलों के अंदर, जैसे साउथ इंडिया के अंदर होता है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे बस हाँ पानी को होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत खाद देनी है वो दे सकते हैं, अपने बाहर ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा फ्लोवरिंग हो, अपने को खाद भी दे सकें, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रूट ड्रॉप एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, इसके अंदर मौसमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोन है ये प्रॉब्लम, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप कॉमन प्रॉब्लम। प्री हार्वेस्ट, जैसे ही हार्वेस्टिंग से पहले फलन
फल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, फ्रूट ड्रॉप होता है। तो मौसमी रेड ब्लड आर मोर प्रोन टू फ्रूट ड्रॉप, जो मौसमी इसकी किस्म है या रेड ब्लड है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोन किस्में हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। वैलेंसिया लेट इज़ लेस प्रोन टू फ्रूट ड्रॉप, और जो वैलेंसिया लेट किस्म है इसकी, उसके अंदर ये समस्या बहुत ही कम होती है फ्रूट ड्रॉप की। दो रीज़न हो सकते हैं फ्रूट ड्रॉप के, एक तो फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप हो सकता है, दूसरा पैथोलॉजिकल। इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और दूसरा ये भी कह सकते हो कुछ बीमारियों के कारण भी फ्रूट ड्रॉप होता है, मतलब कुछ फंगस होती हैं जो अटैक करती हैं जिसके कारण फ्रूट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर इन द स्टेम पॉइंट, फॉर्मेशन होता है, एब्सेशन लेयर बन जाती है, मतलब जो स्टेम जहाँ पे फल चिपका हुआ है मेन तने के साथ, फल का जो छोटा सा तना, वहाँ पे एब्सेशन लेयर बन जाती है, ठीक है, जिससे फल अपने आप ही नीचे गिर जाता है एब्सेशन लेयर बनने के कारण। दूसरा हो सकता है इम्बेलेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर सच है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिक एसिड, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनमें इम्बेलेंस हो जाना, उनका एक ही जो उसकी ज़रूरत है डिजायर्ड मात्रा है उसमें इम्बेलेंस हो जाना, मतलब पौधे के अंदर वो पर्याप्त, ये कह लो कि बैलेंस में ना होना उन ग्रोथ रेगुलेटर का, किसी की कमी हो जाना, किसी की वृद्धि हो जाना, वो चीज़, ठीक है, तो उसके कारण भी हो सकता है। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कई ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी के कारण भी कभी कभी ये समस्या आ जाती है, फ्रूट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जिंक है, नाइट्रोजन है, ऐसी कमी के आना। अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब फ्लावरिंग हो रही होती है उस समय बरसात आ जाती है तो भी ये ऐसी कंडीशन आ सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना, इसके कारण भी फ्रूट ड्रॉप की समस्या आ जाती है। इसके अलावा कल्चर प्रैक्टिसेस, फॉल्टी कल्चर प्रैक्टिसेस लिख सकते हो कि फॉल्टी, आपने जो जिस टाइम पे करना है वो उस टाइम पे ना करना, ठीक है, आप हो सकता है कि आप सिंचाई टाइमली ना कर रहे हो, इसके कारण भी फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। हो सकता है आप उसमें जो क्या कहते हैं कि कोई इंसेक्टिसाइड डालना है या कोई आपको ग्रोथ रेगुलेटर डालना है वो टाइम पे नहीं दे रहे, या न्यूट्रेंट आप उसको टाइम पे नहीं दे रहे, तो उसके कारण जो भी फ्रूट ड्रॉप, उनके कारण भी फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। तो कंट्रोल मेजर क्या है फिजियोलॉजिकल के लिए, स्प्रे 2,4-D 20 ppm इन द मंथ ऑफ अगस्त, 2,4-D का 20 ppm का अगस्त के महीने में छिड़काव करना चाहिए। अप्लाई रिकमेंडेड डोज ऑफ न्यूट्रेंट्स, जो भी आपको रिकमेंडेड डोज है, अनुशंसित मात्रा है न्यूट्रेंट्स की, जैसे NPK की आपको फील्ड में डालनी है बताई गई है, तो वो आप डालो, टाइमली डालो। फॉलो इम्प्रूव कल्चर प्रैक्टिसेज इन राइट टाइम विद राइट वे, जो इम्प्रूव कल्चर प्रैक्टिसेज है, जो कोई आपको रिसर्च बताया गया है कि आपको इतनी मात्रा में ये चीज़ करनी है, इस टाइम पे करनी है, उसको सही तरीके से और सही समय पे करना चाहिए। पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप, पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप में क्या होता है, ये अल्टरनेरिया सिट्री, कोलेटोट्राइकम गोलियोस्पोरिडिस, दो एक फंगस हैं, इनके अटैक के कारण कई बार ये देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप। फॉलोइंग फंगस अटैक ऑन स्टाइलर एंड ऑफ द फ्रूट कॉज स्टाइलर एंड रॉट, जो ये फंगस होती है वो स्टाइलर एंड के ऊपर अटैक करती है। स्टाइल पिस्टल का एक पार्ट होता है, तुम्हें पता ही है, स्टिग्मा बीच में जो लंबा पार्ट होता है, ठीक है, वृत्तिका का स्टाइल कहलाता है, फिर नीचे ओवेरी जुड़ी रहती है, तो स्टाइल का जो एंड वाला भाग होता है वहाँ पे अटैक करती है और कॉज स्टाइलर एंड रॉट, और वहाँ पे उसको रॉट करना स्टार्ट कर देती है, गलाना स्टार्ट कर देती है ये फंगस। कंट्रोल मेजर्स क्या है, स्प्रे कॉपर फंजीसाइड्स ड्यूरिंग फ्रूट सेटिंग, जब फ्रूट सेटिंग हो रही है अगस्त के अंदर तब कॉपर फंजीसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, एंड रिपीट एट 3 weeks इंटरवल, और 3 सप्ताह के अंतराल पर इसको वापस से इसका छिड़काव करना चाहिए। हार्वेस्टिंग, फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड व्हेन द रिंड कलर चेंज फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन टू येलोइश कलर, फलों को हमेशा हार्वेस्ट करते हैं जब उसके छिलके का ऊपर वाली रिंड होती है उसका कलर चेंज हो जाता है, डार्क पहले होता है फिर लाइट हो जाता है, लाइट ग्रीन या तो, या फिर येलोइश हल्के हल्के दिखाई देने लग जाए तब फलों को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। द अदर क्राइटेरिया इज TSS एसिड रेशियो, और अदर दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, TSS और एसिड रेशियो देखा जाए, ठीक है, तो उसको देख के भी हार्वेस्ट किया जाता है। द फ्रूट ऑफ स्वीट ऑरेंज मैच्योर इन 9 to 13 months, जो ऑरेंज के स्वीट ऑरेंज के फल होते हैं मौसमी, वो लगभग 9 से 13 महीने बाद तोड़ने लायक हो जाता है, अलग अलग किस्मों के हिसाब से अलग अलग होता है थोड़ा, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया हार्वेस्टिंग इज डन इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू फरवरी, और नॉर्थ इंडिया जो है उत्तरी भारत के अंदर तुड़ाई लगभग दिसंबर से फरवरी के अंदर करते हैं, साउथ इंडिया के अंदर हार्वेस्टिंग की जाती है जो अक्टूबर से मार्च के अंदर करते हैं, ठीक है, अक्टूबर से मार्च के अंदर इसकी तुड़ाई करते हैं।
और सेंट्रल इंडिया के अंदर नवंबर से जनवरी तक इसकी तुड़ाई करते हैं, नवंबर से लेकर जनवरी तक इसकी तुड़ाई करते हैं, इसके लिए बेस्ट टाइम रहता है। उसके बाद यील्ड एंड स्टोरेज, जो मौसमी है इसकी जो उपज रहती है लगभग लगभग 1000 to 1500 फ्रूट्स पर ईयर, सॉरी पर ट्री पर ईयर, एक वृक्ष से लगभग लगभग 1000 से 1500 फल पर साल मिलते हैं, हर प्रत्येक वर्ष मिलते हैं, ठीक है। जो इसकी आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, लगभग 15 से 18 वीक तक इसको स्टोरेज लाइफ होती है, तो इसको स्टोर करने के लिए 6 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना रखने पर, जिस पे भी अपने स्टोर कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जाता है, लगभग 6 से 6.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहे और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो अपेक्षित आर्द्रता है वो होनी चाहिए, 85 से 90% तक इनको स्टोर किया जाता है। तो इसके जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, डिजीज़ हैं, अपने उन सबको लास्ट में पढ़ेंगे, सारी जो सिट्रस वाले क्रॉप्स पूरी करने के बाद, ठीक है। थैंक यू।